नमस्कार, मैं मविन नाजरेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल मावली सफ़र में। मेरे साथ है मेरे करीबी दोस्त एडवोकेट नितिन अंबोरे। हाय। और आज हम जा रहे हैं मुरुट जंजीरा। मुरुट जंजीरा इतिहास का एक ऐसा फोर्ट है, एक ऐसा किला है जहाँ पर कोई भी राजा ने उसका जो कॉन्कर है कभी नहीं कर पाया, और ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला है ये, और इसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले तमाम मेरे दोस्तों के साथ। नितिन जी, सबसे पहले तो आप स्वयं एक एडवोकेट हो जी, और क्योंकि जो एक लाइफ होता है एडवोकेट का बहुत ही हेक्टिक लाइफ होता है, आज आप जा रहे हो मुरुट जंजीरा फोर्ट में, कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव है, अभी देखते हैं मुरुट जंजीरा जाके। एक्साइटमेंट किस लेवल पर है? बहुत टॉप, एकदम टॉप पे है। आप मेरे साथ हैं महेश जी और अनूप जी। अनूप जी, ज़रा बताइए कि मुरुट जंजीरा फोर्ट हम जा रहे हैं उसकी विशेषताएँ क्या है, आज के जो प्लान है, प्लान के जो आयोजक आप हो, तो आपको क्यों लगा कि हमें मुरुट जंजीरा फोर्ट जाना चाहिए? देखिए, कैसा है कि हिस्टोरिकल जो प्लेस है हमारे महाराष्ट्र की या देश की, वहाँ पर हमें जाके विज़िट करना चाहिए, तभी उसकी विशेषता टिकी रहेगी और लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। नमस्कार मित्रांनो, मी राहुल वालेराव आपलं स्वागत करतो मार्वलस सफायरमध्ये। आपण आलेलो आहोत अलिबाग येथील जंजिरा हा किल्ला बघण्यासाठी। नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर शैलेश पोळ। जसं की माझे मित्र श्री राहुल वालेराव यांनी माहिती दिली की आज आपण अलिबाग तालुक्यातील जंजिरा किल्ला बघण्यासाठी आलो आहोत। तर जंजिरा किल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा किल्ला अजिंक्य मानला जातो, कारण हा किल्ला कोणीही कधी जिंकू शकला नाही आहे। तर या किल्ल्याचं काय वैशिष्ट्य आहे या आपण सगळ्यांनी पाहूया। धन्यवाद। मुरुट जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुट के तटीय शहर से कुछ दूर एक द्वीप पर स्थित एक प्रसिद्ध किले और पर्यटन स्थल का स्थानीय नाम है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। How's the door, doctor? It's all good. It's high. देख सकते हैं कि तमाम एडवोकेट का जो एक समूह है हमारे पीछे बैठा है। रविवार का दिन है आज और सब हमारे एडवोकेट भाई यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और ये मज़ा मतलब बता नहीं सकते कि इतना मज़ा आ रहा है ये, लेकिन डर में भी इतना मज़ा आ रहा है कि क्या बताऊँ। नहीं सर, ये सच में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम और ये मेरी इच्छा ही थी कि भाई मुरुट जंजीरा किला आए और देखे, और ये जहाज, ये तो पहली बार मैं बैठा हूँ कि यहाँ पर ऐसा इतना अच्छा माहौल है कि ऐसी लहरें एकदम आ रही है। देखो अभी लहर आ गई है, ये लहर आ गई है, देखिए आप, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी बोल नहीं सकते आगे क्या होगा। डॉक्टर शैलेश, आप महाराष्ट्र के बहुत सारे किले घूमे हो, तो अभी आपका आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है मुरुट जंजीरा फोर्ट में। समुंदर के एकदम आप बीच में हो, और ये कोई मोटर वाला जहाज भी नहीं है, एक मैन्युअली चलता है। आपका अनुभव बताइए। अनुभव सध्या तरी खूप चांगला आहे। मी पहिल्यांदा जंजिरा किल्ल्याला येतो आहे। पाण्याच्या मध्योमध किल्ला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता किल्ल्यामध्ये गेल्यावर मी तुम्हाला दाखवेन, ज्या जहाजेतून आपण येतो आहे त्या जहाजेला मोटर नाही आहे, त्या जहाजेला आपण पडदा लावलेला आहे, त्या पडद्याला हव्याच्या वेगाने ती जहाज पुढे जात आहे, आणि अनुभव खूप चांगला आहे। सगळे तुम्ही बघू शकता माझ्यासोबत बसलेले आहेत, जहाजचे चालक आहेत ज्यांना आपण तांडेल म्हणू शकतो, किंवा जे जहाज चालवतात, जहाज घेऊन जातात, ते अगदी आम्हाला चांगलं गाईड करतात की कशा प्रकारे जहाज चालते। बाकी पाण्याच्या लाटा तुम्ही बघू शकता, कॅमेरा वर खाली होत आहे, जहाज अगदी वर खाली होत आहे, तर खूप चांगला अनुभव आहे। हम पाणी के बीचो बीच में और हमारे साथ भाई है जो हमें गाइड कर रहे हैं, और गाइड मास्टर है यहाँ पर,
भाई साहब आपका अनुभव बताइए, कितने साल से आप काम कर रहे हो यहाँ पर? मेरे को 17 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं। और 17 साल से मैं ये बोट ही चला रहा हूँ और प्लस उसके अलावा मैं गाइड भी करता हूँ। ओके, मैं थोड़ी देर के बाद आपके किले के सामने जाएंगे ना अपन, उसके बाद मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँ, किसने बनाया, कब बनाया, किला बनाने से पहले यहाँ पर क्या था, ये सारा इतिहास मैं आपको आगे जाने के बाद बताऊँ। 60 फुट गहरा पानी है यहाँ पर, जिस जगह पे अभी अपनी बोट है ना जी, यहाँ पर समंदर की जो लेवल है ये लगभग मेरा अंदाज है कि 60 फुट गहरा पानी है। ओके, आपने टाइटैनिक मूवी देखा है? जी 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 देखा, तो एकदम टाइटैनिक मूवी जैसा अनुभव आ रहा है हमें तो। भाई साहब तो फिर डुबाने का क्या इरादा है आपका, बोलो। विजिटर्स कैन गेन एक्सेस टू द जंजीरा फोर्ट फ्रॉम राजापुरी, अ स्मॉल विलेज ऑन द कोस्ट। आफ्टर अ शॉर्ट राइड इन अ स्मॉल बोट, वन कैन एंटर द फोर्ट थ्रू द मेन एंट्रेंस। किले में आज शाही घरों के अवशेषों सहित कई संरचनात्मक टुकड़े हैं। इस द्वीप पर मीठे पानी के दो विशाल झीले हैं। समुद्र से सीधे ऊपर उठने वाली काफ़ी मोटी दीवारें इसे सैन्य रूप से मजबूत बनाती है। किले में पहुंचने के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार है। मछुआरा समुदाय के प्रमुख राजा रामराव पाटिल ने अपने लोगों को घुसपैठियों से बचाने के लिए सबसे पहले इस द्वीप पर अपना स्थानीय समुदाय स्थापित किया। इतिहास के पन्नों में उन्हें इस किले का निर्माण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। कैसे आपको एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पर? एकदम बढ़िया। आपने बहुत सारा किला घुमा देगा, तो ये जो फोर्ट है तो ये सबसे अलग आपको क्यों लगा? सबसे पहले तो ये पानी के बीच में है और इसको किसी ने कंकर नहीं किया है, ये अजिंक्य फोर्ट है, इसे कोई किसी ने भी नहीं जीता है, किसी भी राजा ने नहीं जीता है। इस किले में कई चीजें देखने को मिलती है। सिद्धि सुरल खान के शाही महल के अवशेषों में एक 5 मंजिला इमारत, 3 विशाल तोपे, कलाल बांगड़ी, छियावरी और लंडा कसम और 35 से अधिक अन्य तोपे हमें देखने को प्राप्त होता है। This fort is known particularly for Siddhis. They are called Apshi in everyday language. Originally from Africa, Siddhis had moved to India as fighters, slaves and dealers in medieval times. The sea fort of Murud Janjira is surrounded by the Arabian Sea on all its sides.
हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर। राजापुरी चलो चलो राजापुरी। मैं हूँ गुरुर जंजीरा फोर्ट के, मैं हूँ गुरुर जंजीरा फोर्ट के नंबर पर, और हमारे साथ हैं एडवोकेट अनूप जी और एडवोकेट नितिन जी। आप दोनों एडवोकेट से मेरा सवाल यह रहेगा कि जो एक एडवोकेट होता है, एक अधिवक्ता होता है, तो उनका जिंदगी बहुत स्ट्रेस एंग्जाइटी में होता है, दिन में 16-16 घंटा आपको काम करना पड़ता है। तो आज तभी आप यहाँ पर आए हो, तो आपके हिसाब से इस तरह का गढ़ किला विजिट करना और जो वातावरण का अनुभव लेना, आनंद लेना, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अभी हम तो सब जानते हैं कि आजकल नॉर्मल ज़िंदगी में सबको तकलीफ है, दुख है, और काफ़ी ऐसा माहौल हमारे समाज में है कि हम प्रेशर लेते हैं, टेंशन लेते हैं। लेकिन जब ऐसे हम हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हैं तो हम अपने एक अंदर की आवाज़ को हम पहचान पाते हैं, एहसास कर पाते हैं। तो ये सारी, ये जो क्लाइमेट है, हमें उस प्रेशर से बाहर निकलता है और आगे एक दूसरा, एक नए दिन से हमें, हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद, हम काफ़ी आनंद महसूस करते हैं। तो ऐसे हर यूथ ने यहाँ पर आना चाहिए और इस अनुभव को लेना चाहिए। नितिन जी, अगर आप बहुत सारे गढ़ किला देखो तो अभी भी उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, तो आपके हिसाब से सरकार क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए इस गढ़ किले को महफूज रखने? सबसे पहले तो इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत से ग्रास उगे हैं, झाड़ उगे हैं मीन्स पिलर्स पे और सब पे, तो और ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप घुमा पाएंगे तो यहाँ पे पूरा देखिए जंगल हो चुका है। इसका मेंटेनेंस डेफिनेटली होना चाहिए, सरकार ने इसके लिए कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए।